नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। दोपहिया की सवारी में अब बच्चों को भी हेलमेट पहनना होगा, इसका प्रावधान केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 में किया गया है। इस विधेयक को सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में पेश किया। इसी के साथ विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यदि आपने एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसी आपात सेवा के वाहनों का रास्ता रोका तो आपको 10,000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ 6 महीने की कैद की भी सजा हो सकती है। केंद्रीय मोटर वाहन कानून 1988 में संशोधन के लिए जो विधेयक पेश किया गया है उसमें एक नई धारा 129 जोड़ी गई है। इसमें प्रावधान किया गया है कि दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल की सवारी करने वाले 4 साल से ऊपर के सभी बच्चों को हेलमेट पहनना होगा। साथ ही वो हेलमेट कोई आम हेलमेट नहीं बल्कि ISI मार्क का होना चाहिए। सवारी करने वाला बच्चा यदि सिख परिवार का है तो उन्हें भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि सिख धर्म के व्यक्ति को तभी हेलमेट पहनने से छूट मिलेगी जब वह पगड़ी बांधे हुए है। सड़क सुरक्षा से जुड़े संगठन सेव माई लाइफ के संस्थापक पीयूष तिवारी का कहना है कि ये बेहद जरूरी प्रावधान है जिसका इंतजार किया जा रहा है। देखा जाए तो सड़क दुर्घटना में दोपहिया वाहन पर बैठा व्यक्ति चाहे पुरुष हो, महिला हो या बच्चे, सभी हताहत होते हैं, इसलिए सभी के लिए हेलमेट जरूरी होना चाहिए। उनका कहना है कि इस विधेयक में बच्चों के लिए 2 और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब कार की पहली सीट पर बैठे बच्चों के लिए भी चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम जरूरी किया जा रहा है, जिसके तहत कार में एक बूस्टर या चाइल्ड सीट होती है जिसमें बैठे बच्चे को बेल्ट लगा दिया जाता है। इसमें बच्चों के लिए एडल्ट अकाउंटेबिलिटी भी तय की गई है। इसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि यदि बच्चे अपने अभिभावक, वैन या रिक्शा वाला जिसके साथ भी बैठकर जा रहे हैं, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी अभिभावक, वैन या ड्राइवर या रिक्शा वाले की होगी। मोटरसाइकिल विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि अग्निशामक विभाग के वाहन एम्बुलेंस या किसी तरह के अन्य वाहनों का रास्ता नहीं देने पर वाहन चालकों को 10,000 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। ऐसे करने वालों को 6 महीने तक की कैद की सजा भी हो सकती है। यदि लगता है कि रास्ता नहीं देने वाले का अपराध कुछ ज्यादा ही गंभीर हो तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, साथ ही उनको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते हुए लाइसेंस जोन में आवश्यक और बार बार हॉर्न बजाता है तो उसके ऊपर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, अगर वो इस तरह की हरकत दूसरी बार या बार बार करता है तो फिर भी उसके ऊपर लगाए गए जुर्माने की राशि को 2,000 रुपए तक किया जा सकता है। देश और दुनिया की ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।